हम तो यही सोच सोच के आधे हुए जा रहे हैं, कैसी बदचलन लड़की गले पड़ गई। क्या बड़बड़ा रही हो? अरे तू उससे प्यार करता है और वो उससे प्यार करती है। किसकी बात कर रही हो आप? रिया की? अरे और किससे प्यार करता है तू? वो हमारे बेटे से प्यार करती है, लेकिन वो बेटा हमारा नहीं है। क्या? हम आपके बेटे नहीं है? अरे अरे तू तो है। तो फिर मम्मी आप सच सच बताओ, हम किसकी औलाद है? और ये बम अभी फोड़ना था आपको? अरे तू कब बके जा रहा है तू? अरे वो तुम्हारे भाई से प्यार करती है। अभी हमारा भाई कहाँ से आ गया? अरे तुम्हारा भाई कहाँ पैदा हुआ? तो फिर मम्मी या तो आपको किसी पागल कुत्ते ने काटा या हम पगला गए। हाँ तू ही पगला गया है। हम जो देख के आए हैं वही कह रहे हैं। सब समझने के लिए भी समझ की जरूरत होती है ना। वो तेरे भाई से प्यार करती है। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं हम, हमारा कौन भाई? शिवम। शिवम, जिसे वो तू समझती है और हमारा बेटा समझती है वो शिवम है। और वो शिवम से प्यार करती है। रिया शिवम से प्यार करती है? शिवम भी मरा रिया से प्यार करता है। और रिया समझती है कि उसका ब्याह शिवम से होने वाला है। अरे क्या कर रहा है? काट डालेंगे हम उस शिवम को। हमेशा हमारी चीजों पर नजर डालता है वो। अरे बेटा तू अगर उसे खाट भी डालेगा तो तू तो घोड़े नहीं चढ़ेगा ना। अब समझ में आया सब। ये ना उस उन माँ बेटे की चाल है। तुमको नीचा दिखाना चाहते और कुछ नहीं। जब नानी ने फोटो फाड़ी थी ना तभी मामी के दिमाग में आया होगा ये सब, मालदार लड़की है। अरे लेकिन रिया भी तो शिवम से प्यार कर। मम्मी हम बता रहे, रिया सिर्फ हमारी है। बता देते हैं, ठीक है अब की ना तूने हमारे बेटे जैसी बात, अब हम भी देखते हैं भाभी रिया को हमारी बहू बनने से कैसे रोकती है। शिवम को भी पता नहीं चलने देंगे कि रिया की शादी तुझसे होने वाली है। वैसे भी इस देश में लड़कों की पसंद पूछी जाती है, लड़कियों की नहीं। पर मंडप में तो पता चल जाएगा ना मम्मी। अरे छोड़, तब तक तो बाराती अपना खाना वाना खा के चले जाएंगे और बारातियों के सामने वैसे भी लड़की का बाप कुछ नहीं बोलेगा। तुझे एक काम करना होगा। क्या काम? तू अब इतने दिन रिया से मत मिलना, बस फूल पत्ती भेजते रहना, लेकिन ज्यादा महंगे वाले नहीं। हाँ बेटा। हाँ ठीक है, लेकिन
तुम नानी को नानी के सामने मुंह मत खोलना बस। अरे तू चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। सब इतने नसीब वाले नहीं होते जिन्हें हमारे जैसी अम्मा मिले। लेकिन शिवम रिया का क्या करेंगे? हमारा नाम भी सरला है, बिठाएंगे कोई जुगाड़। हेलो निम्मी, क्या कर रही है? भैया मैं तो यहाँ पे पागल हो रही हूँ। यहाँ है ना, शशिकला ने मुझे काम पे लगा रखा है। कौन सा काम? अरे वही अमित भैया की शादी के कपड़े का ऑर्डर दिया है मुझे, बस वही कर रही हूँ। ओहो निम्मी तक ग्रेट डिजाइनर, पहला बड़ा प्रोजेक्ट तेरा। हाँ हाँ हा, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अभी शशिकला मुझे हैवी ड्यूटी का चेक काट के देगी। देख वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे लैपटॉप की किस्मत खराब है। हाँ वो तो पक्का है। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरी शॉपिंग लिस्ट का? क्या 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 शॉपिंग? मैं धीरे बोल, माँ साथ में तो नहीं है? मम्मी नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। अच्छा सुन, मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ, बताना मत। सरप्राइज? और मुझे? इसीलिए तो शॉपिंग लिस्ट मांग रहा हूँ तेरी। क्या चाहिए बता। लिस्ट तो वैसे ना काफी बढ़ गया, बाद में बताऊंगी। ओ हेलो हेलो, चल कोई बात नहीं, वैसे मुझे पता तुझे चाहिए क्या। और सुन, जब शशिकला घर पे नहीं होगी ना मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। बना तू बंबई जा रहा जी, वहां से तू के लिए आ जी, वहां से बंदी के लिए चूड़ियां जी, अभी लो। इतराई जी, सास की मलाइयां उतारेगी, मजाक भी नहीं सो। चल ना चोबी, चलो। अम्मा, ओ अम्मा, अजा अजा, अजा। इन छोड़ दे, हाँ, छोड़ दे चल। तुमसे बहुत जरूरी बात। अरे बाद में बात कर रहे ला, अभी कमर हिला थोड़ी, चल। क्या कर रही है? कमर हिला बोलो ना। अरे हम तो हिला लेंगे, तू अपनी हिला। अरे वाह। बस अम्मा अब ना, हम थक गए, अब हम बैठ रहे हैं। लो थक गए, ये देखो थक गए। ये वो पंडित का आ रहा है इस तरफ। अरे अम्मा, हाँ? ये पंडित जी को हमने बुलाया है। का है? वो कुछ पूछना था ना उनसे। अभी यहाँ आएगा तो नाच भी नहीं पा सकेंगे। मेरी अम्मा बहुत जरूरी पूछना है। पंडित जी आइए, आइए पंडित जी। पंडित जी आप ऐसा करिए, आप अंदर बैठिए, आपका वहाँ पे बैठने का इंतजाम किया है। पंडित गया, चलो हम भी नाचें। अब
मजा आ रहा है। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर कितनी चढ़ाई है आपने? हमने कहाँ चढ़ाई है। पंडित अगर तुमने कोई गड़बड़ी की ना तो तुम्हारा ये चंदन चूने की दुकान हम बंद करवा देंगे। चल अंदर। इस तरफ। चलो कल भी यहाँ आना, दर्शन देना, नाश्ता कर लेना। बोलने की जरूरत ना है अम्मा जी, हम कौशल्या के घर में ब्याह है, मतलब अपना ही घर है। चलो अच्छी जी जी, अरे हम आपको छोड़ने भाव जी। चुपचाप हाँ भाभी। अंदर जाके चुपचाप बैठो, जब जरूरत होगी हम बुलाएंगे। जाओ खंबा संभाल के जाओ। नीता भाभी, आशा भाभी, आप लोग सब आए, बड़ा बड़ा मजा नाक दी हमारी तो आप लोगों ने। इतना अम्मा जी तो कितनी मजे से डांस कर रही थी। धन्यवाद, तो हमें आपका बोलना चाहिए था। वैसे एक बात तो है कौशल्या, तुम्हारी सास के जलवे तो बहुत है। बहुत ही तिकड़म बाज है दोनों माँ बेटी। एक नंबर। मर जाएंगे हम। अरे हम कहाँ से डरते हैं का? वैसे कुछ भी कहो। अरे डरने की क्या बात है इसमें। अरे कल भी फिर से आना है ना जी जी। ये शैक बहुत अच्छा है। ये प्रिंगल लो ना। ये तो सुबह ही खाया था हमने, मम्मी ने तो बनाया था, आलू पराठा ना। कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं। वेरी टेस्टी। ये तुम्हारे लिए। हमारे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? रख लो। अब इतना बोल रहे तो रख ही लेते हैं। थैंक यू। वाओ। आइए सर, आइए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। क्या हुआ, तुम जानती हो उसे? ये हमारा भाई है, अगर इसने हमें पहचान लिया ना तो यह बोर हो जाएगा। बोर? और ये हमारा मेरा बाथिंग सूप और सर कोल्ड ड्रिंक्स। एक हाँ सरला बता, क्या कहना था? अरे अम्मा क्या बताएं, हमारा तो नसीब ही फूटा हुआ है। अब क्या हुआ? हम शादी का मुहूर्त निकालवाने के लिए पंडित जी के वहाँ गए थे। ये तो अच्छी बात है। अरे का अच्छी बात है, जो तारीख उन्होंने बताई वो सुन के तो हमारे हाथ पांव ही फूल गए। ऐसी कौन सी तारीख बताई कि हाथ पांव फूल गए? अरे हम अब कहाँ बताएं अम्मा, हम पंडित जी से ही पूछ लेते हैं। अब पंडित जी वो अब फिर से वापस आ गए? ऐसे नहीं बोलते अम्मा, पंडित जी है। पंडित जी जी इधर आइए। आया। मरे की तबीयत ठीक ना ही कहा, देख कैसे चल रहा है। अरे नहीं पंडित जी, अरे क्या कर रहे, चक्कर आ रहे क्या? चलो आई आई बैठ बैठ जाइए। बेचारों की तबीयत ठीक नहीं लगती। देखा है कहीं?
हाँ हाँ देखा होगा ना अम्मा, ये घाट पे बहुत पूजा पाठ करते हैं। हाँ ये बहुत खानदानी पंडित हैं, इनके बाप दादे भी शादियाँ करवाते थे। हाँ ठीक है, बड़े पहुँचे हुए पंडित है। अब ये बताओ कि ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त निकाला कि हमारी बिटिया के हाथ पैर फूल गए। आप पर भारी संकट आने वाला है। ये मुहे सारे भारी संकट हम पे एक आते हैं। चार दिनों के बाद आपका नित्योग है। आप मरने वाली हैं। अरे हमने तो इसे अम्मा को मारने की बात कही थी। कहाँ बक रहे हो? कौन मरने वाला है? अब सरला? हम नहीं, अम्मा। अम्मा का मृत्यु आपने बोला था ना। हाँ तो ढंग से बताइए ना जरा, किसका मृत्यु योग है, कब आने वाला है, कहाँ आने वाला है, जरा विस्तार से बताइए पंडित जी। हमारा मृत्यु योग? हम मरने वाले हैं। आप मरने वाली हैं। पंडित जी, वो तो अब मरने वाली है। देखो हे भगवान। अच्छा आप मरने वाले? ना ना चुप ना, थू थू, ऐसा कहीं होता है? अरे नहीं पंडित जी, नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मरने वाले हैं ना, तो हम ही मरने वाले हैं। ये दारू की बात आ रही है कहां से? दारू की? नहीं तो नहीं, वो भाभी खाना बना रही है। अम्मा भाभी खाना बना रही है, ऐसा है ना वो पंडित जी को चक्कर आ रहे हैं। हाँ। तो पंडित जी को हम ले जाते हैं। हाँ। ये जो बोलेंगे हम आके बता देंगे। हाँ, हाँ। हम पंडित, तुम क्या बताओगी? पंडित आया ये बताएगा, बताओ। चक्कर आ रहे हैं ना इन्हें, तो ये हमें बता देंगे आराम से, धीरे धीरे हम आके घर पे बता देंगे ना तुम्हें। चलो पंडित जी चलो, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। दोबारा पी के आया ना तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगी सबके सामने, समझा? माफ करना अम्मा जी। चुप, अम्मा जी रही हो। बाकी के पैसे? बाकी के पैसे पहले होश में तो आ, दूंगी कहीं का। चल निकल यहाँ से। अच्छा, 100 रुपए बर्बाद कर दिए। हाँ प्रणाम, मिलता हूँ। चल, चल। देखो अम्मा, हमने कहा था ना हमारी जिंदगी अब सिर्फ 4 दिन की बची है। ऐसा नहीं हो। अरे ऐसा ही है अम्मा, देखो ना। नहीं पंडित जी ने कहा है ना कि अगर 4 दिन के बाद और 1 साल के पहले शादी हुई तो हमारी ना, ना, ना बोल, ना बोल, रो मत। अम्मा देखो ना, अभी तो हमने अपने एक भी बच्चे की शादी भी नहीं देखी, बताओ हम कैसे 4 दिन में शादी करवा पाएंगे? ऐसा कहीं नहीं, 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 ऐसा नहीं होता। रो मत अम्मा, देखो ना इन्हें तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है, हमारे सर पे मौत मंडरा रही है। अम्मा 4 दिन में हम शादी कैसे करवाएंगे? 4 दिन में? चोर सिपाही खेल रहे हैं कि चिरौंजी बेच रहे हैं? खेल है का? अच्छा दामाद बाबू, हम कहत है 4 दिन में सब कुछ हो सकत है, और वैसे भी सारा इंतजाम तो लड़की वालों को करना है। हाँ तो माथुर साहब का रॉकेट साइंस है, 4 दिन में कोई लड़की वाले कैसे तैयारी कर लेंगे? इन्हें तो बस उन्हीं की चिंता लगी पड़ी है कि हमारे सर पे हमारे आगे मौत नाच रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है। ना ऐसा नहीं है श्रीमती जी। अरे रहने दीजिए, हाँ नहीं तो हाँ हमें तो... लीजिए सब, शादी 4 दिन में ही होगी। फोन वा घुमाओ, लड़की के बाप को बुलाओ, बोल दो ऐसा संकट आन पड़ा है, 4 दिन में शादी करनी करनी है, बस सरला। अब बंद रोना बंद। लेकिन अम्मा हमें तो तुम्हारी चिंता हो रही है ना, 4 दिन में वो शादी के लिए पैसे कहाँ से जुटाएंगी? अब कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाले गुस्से में आके शादी करने से ही मना कर दे। तो हाई टेंशन ले रही है। हम बैठे हैं ना, हमारी बिटिया की जिंदगी से जरूरी और कछुनाई हमारे लाने। अच्छा ठीक है, अच्छा अभी हम चलते हैं। अब कहाँ से रख रही है, तैयारी की बातें भी तो करनी है। अरे हाँ अम्मा, वो लेन देन की बात तो की नहीं। Thank you.
स्मार्ट प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।